मैंने एनिमल मूवी देखी एंड भाई साहब रणबीर कपूर है ओके आप नेपोटिज्म को कितना भी गाली दे दो रणबीर कपूर इज द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ नेपोटिज्म। आय हाय हाय अगर नेपोटिज्म से ऐसे एक्टर्स ऐसा टैलेंट निकलता है ना तो भाई मेरे को नहीं करना कंप्लेन। एंड भाई सबसे बड़ा डाउट मेरे को पर्सनली था कि मूवी की लेंथ 3.5 घंटे की ऑलमोस्ट है। मैं क्या बोलता हूँ क्या मैं जाता हूँ वापस घर पे लेकिन आई स्वेयर टू गॉड मालूम ही नहीं पड़ा 3.5 घंटे कब गए बट एक पॉइंट पे लगा कि शायद अगर 3 घंटे की मूवी होती तो बेहतर रहता। मुझे नहीं मेरे पीछे एक बंदा जो पायरेसी कर रहा था जो मूवी रिकॉर्ड कर रहा था 3 घंटे तक पूरा रिकॉर्ड किया 3 घंटे के बाद उसको धर लिया तो उसको लगा होगा शायद 3 घंटे की रहती तो अच्छा रहता बट जोक्स अपार्ट अच्छी मूवी थी। फर्स्ट हाफ फुल ऑन एक्शन जो आपने ट्रेलर में देखा वो सारे सीन्स वगैरह फुल मतलब और भाई मजा आ गया। अर्जुन वेली गाने पे तो भाई स्पॉइलर देने लायक कुछ है नहीं। ऐसा कोई खतरनाक चीज हुआ ही नहीं कि मेरे मुंह से निकल जाए और स्पॉइलर दे दूं मैं आपको। सिंपल सी स्टोरी है रिवेंज स्टोरी है तो जैसा पप्पा पप्पा वाली स्टोरी है। सेकेंड हाफ में थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है स्टोरी थोड़ा रिलेशनशिप्स एक्सप्लोर करते हैं रणबीर के चाचा दादा जो भी वो सब एक्सप्लोर करते हैं। एक्टिंग के मामले में अगेन रणबीर कपूर वन ऑफ द फाइनेस्ट यार। रश्मिका की भी एक्टिंग अच्छी थी जैसा हमने ट्रेलर में देखा बाप की चटी फटी पड़ी मूवी में नहीं अच्छी एक्टिंग थी। अनिल कपूर भाई सुपर्ब है अनिल कपूर भाई क्या एक्टिंग करते हैं मतलब उनको देख के फील होता है ही इज द गोट भाई। बाकी सॉन्ग्स मेरे को लाइक ओके लगे कबीर सिंह जितने मस्त सॉन्ग्स नहीं थे कबीर सिंह में मिथुन थे ना। एक दो सॉन्ग्स अच्छे एक दो सॉन्ग्स एवरेज है। बॉबी देओल आप मानोगे नहीं बॉबी देओल का मूवी में एक भी डायलॉग नहीं है कसम से बोल रहा हूँ एक भी डायलॉग नहीं है बॉबी देओल का। आप जाके देखना पिक्चर तभी समझेगा आप मतलब मेरे को चाहिए था बॉबी भाई लॉर्ड बॉबी को और थोड़ा सा देखे लॉर्ड बॉबी का कैमियो था ऐसा लगा मतलब लॉर्ड बॉबी आए और गए लिटरली आए और गए। एंड मूवी का जो टाइटल आता है एनिमल लिखा हुआ वो आया 1 घंटे बाद 1 घंटे की पिक्चर हो गई उसके बाद टाइटल है एनिमल एंड आई वाज लाइक बट वो इतना मैटर नहीं करता। इंटरवल ब्लॉक एक नंबर मतलब आप हूटिंग चीयरिंग कर दोगे इंटरवल ब्लॉक उसके बाद थोड़ी सी स्लो हो जाती है मूवी। मेरे को थोड़ा सा उधर लगा कि हाँ थोड़ा सा और अगर एक्शन वैक्शन डाल देते तो मजा आता बट अगर आपको कबीर सिंह देख के ऐसा लगा कि अरे यार ये तो थोड़ा गलत कर रहा है ये तो थोड़ा टॉक्सिक मैं क्या बोलते हैं मैस्कुलिनिटी है तो फिर ये मूवी आप देखो ही मत ये मूवी आप स्किप कर दो बिकॉज ये रणबीर का जो कैरेक्टर है वो कबीर सिंह x5 है 5 times कबीर सिंह है तो वो तो करना ही मत। लड़कियां अगर जल्दी ट्रिगर होती है तो मत देखो मूवी जाने ही दो स्किप कर दो। बट अगर आप मूवी को मूवी की तरह देखना है कि ये कैरेक्टर ये खराब कैरेक्टर है ये बंदा अच्छा नहीं है मूवी में तो फिर आप दिमाग खोल के देखो मजा आएगा। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई क्या पिक्चर बना दी जवान से भी खतरनाक पठान सबका रिकॉर्ड तोड़ेगी तोड़ सकती है बट मुझे नहीं लगता कि तोड़ेगी रिकॉर्ड। एंड अगर मेरे को पूछो कि कबीर सिंह या एनिमल तो मैं कबीर सिंह चूज करूंगा बिकॉज सेम डायरेक्टर की मूवी है इसलिए कंपैरिजन कर रहा हूं। मैं कबीर सिंह चूज करूंगा बिकॉज वो काफी आइकॉनिक कैरेक्टर था यार वो पता नहीं यहाँ पे उतना देखने नहीं मिला पता नहीं रणबीर ने तो अपना पूरा किया लेकिन वो कैसे बताऊं वो आइकॉनिक डायलॉग है किससे टच किया उसको ये थोड़ा सा मेरे को मिसिंग लगा। ओवरऑल अच्छी फिल्म थी और अपन देखते हैं इसके ऊपर कोई मीम्स। आई क्रैक दिस डायलॉग गाइस बताओ भाई थोड़ा पार्शल तो हूँ मैं इतना भी वो नहीं था वो थोड़ा सा एक्सेंट तो आता ही है बिकॉज साउथ इंडियन है तो वो एक्सेंट तो आएगा। आई विल कट माई हेयर व्हेन आई फाइनली गॉट हर मी नाउ। एक थोड़ा सा मेरे को अजीब लगा थोड़ा पापा के साथ मतलब ओवर ऑब्सेस था कि मतलब कुछ भी कर देंगे मार देंगे काट देंगे तो थोड़ा सा मेरे को ओवर लगा वो बट ठीक है यार अभी पिक्चर है। सीन्स आफ्टर एनिमल ट्रेलर रिलीज डायरेक्टर और ये तेरा अबे तू तो 50 ले मेरा 50 क्यों इन लोग का 100 इन लोगों ने कितना काम किया इसने अपना वो बोनट फोड़ा इसने कांच फोड़ा इसने अपने सर पे बाटली फोड़ा तूने क्या भांडा फोड़ने वाला था तू तो इसके लायक भी नहीं है। सॉरी बॉस मिस्टेक हो गया। वो देखो एक्टिंग कर रहा है क्या एक्चुअली कहीं कहीं पे ऐसा लगा था एक्चुअली अगेन नहीं वो ट्रेलर में लग रहा था ओवर एक्टिंग अच्छा किया रश्मि कुछ कुछ सीन्स में तो भाई बहुत अच्छा किया इमोशनल एक्टिंग। एक सीन है जहाँ पे अब मैं बोलूंगा नहीं बट रणबीर आता है एंड वो काफी झगड़ा होता है उनमें बहुत मस्त एक्ट का स्मोक बॉम्ब डालेला है भाई उसने उनो रिवर्स कर उसने पुलिस पे डाल दिया भाई ने रश कर दिया 1v4 1v200 1v200 रश किया भाई ने कम ऑन नॉक करो
अब आया पूरा स्क्वाड। डेयरिंग चाहिए भाई, इंडिया बिगिनियर्स के लिए नहीं है भाई, इंडिया एडवांस प्रो लोगों के लिए। एनिमल डिलीटेड सीन, ये कौन सा सीन है जो मैंने नहीं देखा? ओके पापा, लेट्स प्ले अ गेम। मैं पापा और आप बेटा, कुछ नहीं करना आपको, आपको बस पापा पापा करना है और मैं आपकी एक्टिंग करूंगा। ओके, शिद्दत से करना पापा। ओके, बाप की चड्डी फटी पड़ी है, घर में चूल्हे नहीं जल रहे, अब बेटा जले। पापा, लेट्स प्ले अ गेम। एनिमल ट्रेलर। आई लव माय डैडी, माय सुपर हीरो। ट्रेलर नहीं भाई, मूवी भी, मतलब मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, आप जाके देखो, आपको पता चल जाएगा भाई, मैं ज्यादा बोलूंगा, मैंने जो बोलना था बोल लिया वीडियो के शुरू। नॉक होते ही मेरा फ्रेंड सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। ये वही लौंडे होते हैं जिनका माइक चालू नहीं होता, माइक चालू रखा करो या तो हेल्प हेल्प चिल्लाना बंद करो। हेल्प भाई, ये वाला ऑडियो चाहिए वापस बीजीएमआई में। मैं एक्चुअली खेलता नहीं, बट जब खेलता था तब नॉस्टैल्जिया हो गया। हाउ गर्ल्स टॉक ऑन वीडियो कॉल। दीपक भाई, हाँ बॉयज, सुपरस्टार, मैंने मुझे तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पता चला कि तुम एक भिखारी हो, एक गरीब बाप की औलाद हो, और मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहूंगा। देखो, इस बात का बिल्कुल बुरा मत मानना कि तुम एक भिखारी हो, और मैंने तुम्हारा इंटरव्यू देखा एक चैनल में जिसमें तुमने ऐसे कहा कि तुमने बहुत गरीबी देखी है। मेरे आंखों से बिस्लरी आ गया, मेरे आंखों से बिस्लरी आ गई। ये बॉय, लेट्स गो पुनीत भाई, इंसान था, दो कोड़ी का इंसान है और तू दो कोड़ी का इंसान ही रहेगा। दीपक कलाल के साथ मेरे को कोलैब करना, पुनीत के साथ भी करना है। असली कमेडियन ये लोग है भाई, बाकी सब अपनी जगह पे। आकिर वाकिर खान भाई कुछ नहीं, असली कमेडियन दीपक कलाल है, ये तो मेरा दोस्त है, नर्स। ओके, मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे, किस्मत में होगा तो पैसा खुद चल के आएगा। आई एम अ यूट्यूबर, बंदा यूट्यूबर है, बंदा थगेश सब्सक्राइबर। नहीं नहीं, मेरे सब्सक्राइबर इतने छोटे, मेरे माय सब्सक्राइबर्स आर वेरी मैच्योर। मैच्योर होना तुम लोग, मेरे सब्सक्राइबर सब पीएचडी, एमबीबीएस, लॉयर, प्रधानमंत्री है सब मेरे सब्सक्राइबर। 16 डेज लेफ्ट अंटिल एग्जाम। ओके, 1 सेकंड लेफ्ट। ये तो बहुत ज्यादा सच बोल दिया, मैं बता रहा हूँ ना भाई, एग्जाम को 1 महीना एक्सटेंड भी कर दिया ना, बोला कि नहीं अभी तुम लोग कल मत आओ, 1 महीने बाद पेपर होगा, फिर भी 1 महीना कोई नहीं पढ़ेगा, फिर भी वो 1 दिन पहले ही पढ़ेंगे, खासकर हम जैसे लोग, फिर बन जाते हैं यूट्यूबर। आज मैं खुद को इतना रोस्ट क्यों कर रहा हूँ। आईपीएल ट्रांसफर, रोहित शर्मा अंबानी। ओके, अंबानी जी गिल है, केन है, अच्छा गुजरात वाले है, पांड्या मारेगा लगता है। केन को क्यों? अच्छा भाई, मोई नहीं हुआ भाई, शुभमन गिल का तो मोई हुआ ही नहीं, केन विलियमसन का हुआ है। शुभमन गिल भैया को तो कैप्टनसी मिल गई, और क्या चाहिए जिंदगी में, 2 साल खेले, 3रे साल में कैप्टनसी मिल गया, और क्या चाहिए गिल भैया को। नरेंद्र मोदी सर हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे साथ। ये लोग को कौन अलाउ कर रहा है ऐसे व्लॉग बनाने मोदी जी के साथ? हमें एक चांस नहीं मिलता मोदी जी को थगेश शो पे लाने का, ये लोग व्लॉग बना रहे मोदी जी के साथ, इनको एंट्रेंस कहाँ से मिल रहा है? चचा सीधा शादी करने निकले। चचा इज लाइक, आज तुझे मेरी बीवी बनाऊं। अच्छा वहाँ पे रखना है। चचा बी लाइक, या तो मेरे को पहना दो या तो खुद पहन लो, बट प्लीज कुछ तो कर लेते। पानी पी लूं। गाड़ 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 गाड़। बेइज्जती हो गई काका, प्लान फ्लॉप। चीज बताइए, आप कितना पैसा कमाते हैं महीने में? झूठ पकड़ लिया। हम यहाँ से मंथ का कम से कम 1,20,000 रुपए कमाते हैं। कंडीशन देख के तो नहीं लग रही है आपकी। कंडीशन देख के तो नहीं लग रहा है 1,20,000। आई मीन मतलब 1,20,000 कमाने वाले का ना थोड़ा बात करने का तरीका अलग होता है, ये देख के इसके बात करने के तरीके से नहीं लग रहा है। ये गाड़ी वाड़ी देख के तो नहीं लग रही कि आप 1,20,000 कमाते तो आप 10 महीने में बढ़िया फॉर्चुनर वगैरह खरीद सकते थे भैया, इससे नहीं है ड्राइवर। 10 महीने में फॉर्चुनर खरीद, 1,20,000 अगर महीने के कमाते तो 10 महीने में कितने ही होंगे? 11 लाख, 11.5 लाख। 11.5 लाख में कौन सी फॉर्चुनर आती है? थर्ड हैंड फॉर्चुनर भी ना देखो, 11.5 लाख में। देखो भैया आपकी भावना को समझ रहे, उनको भी नहीं पसंद है मेले वाले। तुम जैसे को अगर मार के जेल जाना पड़ा 14 साल मंजूर है। गाड़ी तो किराए वाला किराया भाई, तो पूछ रहा हूँ किराए की है मेरे वो ड्राइवर है। अरे चलो उनसे क्या, ड्राइवर बना दिया बेचारा, कोई दोस्त बैठा होगा गाड़ी में उसको ड्राइवर बना दिया।
ये ड्राइवर है, ये ड्राइवर पूछना हो तो हम कंडीशन देख के पता लग गया हमको। मार खाएगा भाई, गंदा लग रहा है मेरे को, फटके खाने वाला है ये। देखो भाई MLM गांव में लेके मत जाओ, गांव के लोग बड़े साथी रोते, ये सब लेके गांव में मत जाया करो, बहुत कुटाई होगी। शहर में फिर भी बन जाते हैं लोग, गांव में नहीं भाई। सचिन भाई बोल रहे मैं डांस नहीं करता। अल्लू अर्जुन को देखो भाई, भाई ये वो नहीं लग रहा है दिनेश कार्तिक भाई। विराट भाई नजर गया ही नहीं मेरा, विराट भाई भी है इधर। अरे पीछे टाइगर श्रॉफ, उसके बाजू में वो भी है छपरी। ये भैया आए थे अपने पास अल्ट्रा वॉच लेने के लिए। हाँ भैया अल्ट्रा वॉच कैसी लगी, क्वालिटी अच्छी है? कितने में लिए? 500 रुपए में। कहना क्या चाहते हैं सर? बात तो सही है, हम लोग मर जाएंगे तभी आपको खुशी मिलेगी। देखो अब मैं यहाँ काम नहीं कर सकता सर। Meanwhile क्या हुआ दया भाई, ऑफेंड? अरे जाने दो, दरवाजे तोड़ने के अलावा करा क्या आज तक इसने? पर्सनल अटैक दया भाई, इतना भी सच नहीं बोल रहा था। ऐसे देखे दरवाजे तोड़ने और लास्ट में ट्रांजिशन के लिए वो जो रैप्टा मारता है दया, उसके अलावा ज्यादा काम है नहीं दया भाई। मैं आपका गेमिंग चैनल देखता हूँ। अरे पीयूष भाई फाफड़ा भाई भाई ये क्या, इसको ऐसा क्यों लग रहा है सामने भाई बोल लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है सब्सक्राइब। क्या जबरदस्ती का यार, अरे यार ये बच्चे को हैरान कर रहा है फाफड़ा भाई। भाई ये क्या है भाई, ये टर्न कैसे मारता होगा गाड़ी भाई? तेरे को पनिशमेंट, इसको पनिशमेंट दिया है क्या किसी ने भाई? सब ऐसे ही है, ये कौन सा देश है भाई? मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ टर्न कैसे लेते बाइक। नहीं भाई लेट पुल डाउन मार रहे सब भाई, प्राइस नहीं औकात बता रहा है। बताओ भाई, बताओ औकात बताओ भाई, वो एंगल दिखा दो भाई उधर का। हाँ भाई चिकली चौक है भाई, इधर का एंगल दिखा दो, इधर का। अरे भाई किधर का भाई? देखो इधर का दिखा दो मेरे तरफ ये भाई, देखो भाई संदीप महेश्वरी सर भीख मांगने के लिए दुकान खोला मैंने। देखो पूछो भाई कितने का है? कितने का है? 100 रुपए का भाई। ओ भाई नाइस, अरे अच्छा है भाई 100 रुपए में चोरी का है भाई? बहुत सारे कपड़े भाई। कितने का है भाई? कुछ बोलो मत, कपड़ा देखो इसका पहले, देखो अब पूछो कितने का है? कितने का है? कुछ बोलो मत, बोलते फिर बोलते कितने का है? कहीं नहीं मिलेगा भाई, ये देखो पूछो ठीक है भाई, 2 मिनट देखो सब 100 रुपए का है क्या? अच्छा महंगा वाला कलेक्शन भी दिखाएगा भाई, देखो तुम देख रहे भाई मान, 100 रुपए का है भाई। जब सब 100 रुपए का है तो बार बार क्यों पूछ रहा है, पूछवा रहा है एक्चुअली? लास्ट ऑप्शन आईफोन बना, लास्ट ऑप्शन है भाई, अगर ये गरीबी नहीं गई ना तो ऐसे ही करके आईफोन बनाने पड़े। ये रेडमी का 12 भाई फोन लेके आया, कन्वर्ट कराना आईफोन में अभी, कराओ भाई नो फोन कन्वर्ट कराओ जल्दी। मैक्स बन के रेडी है 15 प्रो मैक्स, देख सकते हैं आप फोन का जबरदस्त लुक आ रहा है। सी टाइप केबल भी लगे आ गया, 15 प्रो मैक्स में सी टाइप आता है। और केबल वेबल कैसे लगा दिया भाई इसने? और इसका कैमरा भी हम आपको बता देते हैं, फुल वर्क कैमरा भी करेगा फोन। भाई साहब ये मतलब है, मतलब कुछ तो कर रहा है, ये इलीगल काम कर रहा है भाई फोन के साथ, मत कर भाई बैन होएगा एप्पल, टीम कुक आएगा घर पे चमाट मारेगा 4, टीम कुक बड़ा गुस्सा होएगा भाई। आई थिंक दैट्स इट गाइस, वीडियो पसंद आया लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो सब्सक्राइब करो चैनल पे, एंड मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो, वहां पे हम लोग बहुत ओरिजिनल कंटेंट डाल रहे हैं अभी, और सारे न्यू वीडियोस के अपडेट्स वगैरह वहां पे आते, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रख लो। एंड अगला वीडियो आ रहा है इस चैनल पे, हमारा होम टूर, न्यू होम टूर वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट।